का नहीं यूज करेंगे? चेहरे पे आप यूज कर सकते हैं या तो क्लेंजर या फेस वॉश। अब फेस वॉश कितने लोग यहाँ पे यूज करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अच्छा, कितने लोग क्लेंजर यूज करते हैं? आप दोनों यूज करते हो फेस वॉश भी क्लेंजर भी? When I'm outside without water. जब पानी नहीं होता है, बाहर होती हूँ कहीं। अच्छा, तो क्लींजर यूज़ करते हैं। हमारे को क्लींजर में पानी चाहिए होता है? यहाँ नहीं होता, मुरक्कन में चाहिए होता है ना। कहीं कहीं बाहर भी जाना पड़ता है मीटिंग में जहाँ पानी अवेलेबल नहीं होता है, तो आप उस वक्त यूज करते हैं। 3-in-1 भी यूज करती हूँ, टोनर वाला क्लींजर जो है हमारा। अच्छा, तो आप 3-in-1 यूज करते हो एज अ क्लींजर और मुरक्कन को आप फेस वॉश यूज करते हो, बट मुरक्कन अर्गन ऑयल हमारा क्लींजर फेस वॉश है। हमारा नीम एंड अमेरिकन अर्बन को हम एज अ क्लेंजर प्रमोट करते हैं। 3-in-1 हमारा टोनर। ठीक है, अब जितने लोग फेस वॉश यूज करते हैं उनको भी स्किन टाइप पता है कैसी है? ऑयली स्किन है मेरी, फेस की और बॉडी की ड्राई स्किन। ओके, बाकी सबको अपनी स्किन टाइप पता है यहाँ पे? नहीं। ठीक है, मैं वन बाय वन सबसे पूछूंगी, जिसको नहीं पता होगा वो बोल सकता है। ठीक है, आपकी स्किन टाइप कैसी, आपको कैसी फील होती है अपनी स्किन टाइप? सर सब ऐसे कैसे रहती है, ड्राई ड्राई सी लगती है। मैडम आपकी जैसे मैम की लगती है वैसे आपकी भी लगती है आपको, बट मैम अभी बोलेंगे मेरी ऑयली लगती है तो आप भी बोलोगे ऑयली लगती है। आपको अपनी स्किन पे क्या फील होता है और तुम्हें चाव सा लगता है या तेज तेज लगता है, कैसा लगता है? चाव के चाव सा लगता है, ड्राई गर्मी में ऑयली हो जाती है, ठंड में ड्राई। सर आपकी ऑयली नहीं पता कोई बात नहीं, ऑयली आपकी मैम ड्राई रहती है, ड्राई ऑयली स्किन वालों का बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है।
बेनिफिट ये है कि उनकी स्किन पे एजिंग लेट आती है, आपको एजिंग लेट आएगी, बट डिसएडवांटेज ये है कि उनकी स्किन पे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती रहती है, या पिंपल्स होंगे या एक्ने होंगे या ब्लेमिशेस आ जाएंगे, ये सारी प्रॉब्लम हमें क्लीन नहीं रहती उनकी स्किन, बट एजिंग से दूर रहती है। ठीक है, मुझे पर्सनली कोई बोले मैम मैं प्रॉब्लम आ जाए लेकिन एजिंग ना, ड्राई स्किन मुझे पसंद नहीं है, ठीक है, और इतनी भी लकी नहीं हूँ कि मेरी स्किन नॉर्मल है, तो ऑयली मेरी भी स्किन ऑयली है, आई एम हैप्पी, मुझे अच्छी लगती है ऑयली। ठीक है, 80% लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन होती है जो वेदर के साथ चेंज होती है, तो जैसे जैसे आपकी स्किन चेंज होती है वैसे वैसे आपका स्किन केयर भी चेंज होना चाहिए। अगर गर्मी है, ऑयल ज्यादा आ रहा है, पसीना ज्यादा आ रहा है, तो आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए, बट अगर गर्मियों में भी आपको अपनी स्किन ड्राई लगती है, नॉर्मल लगती है, तो आपको क्लेंजर यूज करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके पसीना निकल रहा है, ऑयल निकल रहा है, तो आपको फेस वॉश यूज करना चाहिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल है, तो आपको क्लेंजर यूज करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल और ड्राई स्किन को फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि फेस वॉश भी थोड़ा टाइम दिन के लिए ऑयल निकालता है चेहरे पे से, बाद में वो नॉर्मल हो जाती है स्किन, बट थोड़े टाइम के लिए ऑयल निकालता है, बट ड्राई और नॉर्मल स्किन में ऑलरेडी बहुत कम ऑयल होता है, तो उनको फेस वॉश नहीं यूज करना चाहिए, उनको क्लेंजर यूज करना चाहिए। क्लेंजर क्या करता है, आपकी स्किन की सफाई भी करता है, प्लस आपकी स्किन को मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, निकालता नहीं। ठीक है, तो ऑयली स्किन और कॉम्बिनेशन को क्या यूज करना चाहिए, नॉर्मल और ड्राई को क्लेंजर। अब सबको पता है अपनी स्किन टाइप, स्किन को जज करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है मॉर्निंग में जब आप सो के उठते हो। ठीक है, उस टाइम पे जो आपकी स्किन की कंडीशन होती है, आपकी एक्चुअल स्किन टाइप वही होती है। अगर उस टाइम भी आपको अगर ड्राइनेस फील हो रही है, तो मतलब आपकी स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा ऑयल दिख रहा है तो ऑयली स्किन है, थोड़ा बहुत ऑयल दिख रहा है कहीं कहीं पे लाइक आपके सिर्फ नोज पे दिख रहा है या सिर्फ फोरहेड पे, तो आपकी स्किन कॉम्बिनेशन, और कुछ भी नहीं, ना ड्राई लग रही है ना ऑयली लग रहा है, मतलब ठीक अच्छी लग रही है, ग्लो लग रहा है, तो आपकी स्किन नॉर्मल है। ठीक है, आप सब अपनी स्किन टाइप को पहचान जाएंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट यूज करना चाहिए अपनी स्किन की। अगर आपको अपनी स्किन टाइप का पता नहीं है, तो आप हमेशा गलत प्रोडक्ट यूज करोगे, और जब हम गलत प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो हम एक नई स्किन टाइप को जनरेट करते हैं, वो होती है सेंसिटिव। गलत प्रोडक्ट आप यूज करके अपनी स्किन को सेंसिटिव कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप, टोनर। अब क्लेंजिंग तो सबने कर ली, फेस वॉश भी यूज कर लिया, क्लेंजर भी यूज कर लिया, उससे क्या होता है, उससे होता है हमारे पोर्स ओपन। जब भी हम कोई क्लेंजिंग वाली चीज यूज करते हैं, तो हमारी स्किन में वो छिद्र होते हैं जिनको पोर्स कहते हैं, वो खुल जाते हैं। रोम छिद्र खुले होने चाहिए या टाइट होने चाहिए, खुले पोर्स आपके टाइट होने चाहिए या खुले, खुले खुले होने चाहिए, आपके पोर्स जितने ज्यादा खुले रहेंगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आपके स्किन में आता जाएगा, क्योंकि आप बाहर निकलोगे, बाहर क्या होती है, पॉल्यूशन होता है, डस्ट होता है, धूल मिट्टी होती है ना, उस डस्ट में फ्री रेडिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन के थ्रू आपकी बॉडी में जाते हैं। डस्ट पार्टिकल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो आपके पोर्स में जाके आपके पोर्स को ब्लॉक करते हैं। पोर्स हमेशा टाइट रहनी चाहिए, मिनिमाइज्ड रहनी चाहिए। जब भी हम क्लेंजिंग करते हैं, वो ओपन हो जाते हैं, उनको मिनिमाइज करता है, टाइट करता है टोनर। इसीलिए टोनर सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। अगर आप टोनर यूज नहीं करोगे, तो दिन एवरी डे आप अपने पोर्स को ओपन है, उसके साइज को और बड़ा करते जाते हो, और बड़ा करते जाते हो। एक दिन ऐसा आता है जब आपके ओपन पोर्स दूर से दिखने लगते हैं, होता है ना, कईयों के ओपन पोर्स गड्ढे 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 पूरे चेहरे पे दिखने लगता है, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आप सबके ओपन पोर्स होंगे, मे भी कुछ लोगों को दिख जाएंगे, कईयों को नहीं दिखेंगे। एक वो आता है, मिरर आता है, ग्लास होता है, मैग्नेट ग्लास करते हैं, उसको पास से देखो तो
स्किन वो दिखती है ब्रॉड, उसमें आपके पोर्स भी दिख जाते हैं, ओपन है या क्लोज है, मतलब टाइट है। ताकि एक बार आप हम देखना आपके पोर्स कैसे हैं, ओपन है या टाइट है। जितने पोर्स टाइट रहेंगे उतनी स्किन टाइट रहेगी, उतनी ही स्किन पे प्रॉब्लम कम आएगी, उतनी ही स्किन ग्लो करेगी। कोई चीज़ टाइट रहती है तो ग्लो करती है ना, जैसे जैसे वो लूज होती है वो ड्राई लगने लगती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, सेकेंड टोनिंग करेंगे। टोनर यूज कैसे करेंगे, चेहरा धोया, पोछ लिया, देन कॉटन लिया, उसमें टोनर डाला और डैब करेंगे, उसको रब नहीं करेंगे, ठीक है। डैब जितना ज्यादा आप अपने चेहरे पे दबाओगे उतना ज्यादा पोर्स टाइट होते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ट्रीटमेंट, क्लेंजिंग टोनिंग, उसके बाद ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में मैंने स्टार्टिंग में बताया था कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। अब प्रॉब्लम्स में अगर काउंट करना स्टार्ट कर दो, एक्ने, पिंपल्स, एक्ने पिंपल्स अलग होते हैं। पिंपल्स वो होते हैं जिसमें पस भरा होता है, वो पिंपल होता है जो सिर्फ रेड हो और थोड़ा मतलब कड़ा हो, वो आपका एक्ने होता है, ठीक है। पिंपल, एक्ने, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, रेडनेस, फाइन लाइन, रिंकल, डलनेस, मतलब 8 से 10 तरीके की प्रॉब्लम हमारे स्किन पे, डार्क सर्कल, स्पॉट्स, 8 से 10 तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारे स्किन पे आती हैं। अब इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने से दूर रखने के लिए हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ट्रीटमेंट प्रोडक्ट कितने हैं हमारे पास, कौन बता सकता है, किसको पता है ट्रीटमेंट प्रोडक्ट की रेंज? अंडर आई क्रीम, वेरी गुड, वो ट्रीटमेंट में आती है आपकी। और क्लेंजर आपका क्लेंजिंग में आता है, अंडर आई क्रीम होती है, व्हाइटनिंग क्रीम होती है, और फेयरनेस क्रीम होती है ना, पपाया हिबिस्कस मॉइस्चराइजर आपका ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, टी ट्री ऑयल, फेयरनेस जेल, ये आपके ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स हैं। अब सपोज किसी की स्किन पे ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन है, ब्लेमिशेस पिगमेंटेशन पता है सबको क्या होता है? ब्लेमिशेस मतलब एक पूरा ब्लैक कलर का पैच आ जाता है, होता है ना, और पिगमेंटेशन छाइयां, काली 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 डॉट 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 से होते हैं, दोनों अलग होती हैं। पिगमेंटेशन होगा तो वो पूरा पैच बन जाएगा, और ब्लेमिशेस होगा तो पूरा पैच बन जाएगा, पिगमेंटेशन होगा तो ब्लैक ब्लैक स्पॉट हो जाएंगे, या पिंपल और एक्ने के स्पॉट, कोई भी डार्क स्पॉट अगर आपकी स्किन पे है या आप किसी की स्किन पे देखते हो तो आपको रेकमेंड करना चाहिए व्हाइटनिंग क्रीम, ठीक है। व्हाइटनिंग क्रीम हमारी मेलानोसाइट सेल होती है उस पे जाके वर्क करता है। अब मेलानोसाइट सेल क्या होती है, जो हमारे बालों को पिगमेंट देती है, कलर देती है, कौन सा कलर, बाल किस कलर के हैं, ब्लैक, ब्लैक। हमारे बाल काले इसलिए हैं क्योंकि हमारे बॉडी में एक सेल है मेलानोसाइट करके, जो काला पिगमेंट निकालती है, वो हमारे बालों में बॉडी के हर पार्ट में लगता है, क्योंकि बॉडी के हर पार्ट बालों से कवर है तो वो ब्लैक कलर उनको देती है। बट अगर आपका हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया, मोस्टली ब्लेमिशेस प्रेगनेंसी के बाद आती है उनको, क्यों, प्रेगनेंसी के टाइम पे आपके हार्मोनल काफी ऊपर नीचे होते हैं, तो अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है, चेंज हो रहे हैं, तो वो जो ब्लैक कलर आपके बालों में आ रहा है वो ब्लैक कलर आपके स्किन पे आने लगता है, ठीक है। स्किन पे आने लगेगा तो मतलब अंदर की पूरी लेयर ब्लैक हो चुकी है, बाद में आपके अपर स्किन पे वो आना स्टार्ट होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ब्लैक स्पॉट हो रहे हैं, ब्लेमिशेस स्टार्ट हो रहे हैं, पिगमेंटेशन स्टार्ट हो रही है, तो आपको व्हाइटनिंग क्रीम यूज करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है।
व्हाइटनिंग क्रीम उस सेल पे जाके वर्क करती है, ठीक है। अगर किसी की स्किन में एजिंग स्टार्ट हो गई है, जैसे फाइन लाइन दिखने लगे हैं, रिंकल दिखने लगे हैं और हंसता है तो यहाँ पे लाइन बनना स्टार्ट हो गई है, या कई लोग ऐसे रहते हैं हमेशा टेंशन रहती है उनके ऊपर, तो हमेशा ये चीज ऐसे श्रिंक रहती है, तो जब वो नॉर्मल होते हैं तो वो लाइन बनी रह जाती है, मतलब आपको आपकी स्किन लूज हो रही है, वहां पे एजिंग आ रही है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखते हैं अपनी स्किन पे तो आपको डे क्रीम स्टार्ट कर देना चाहिए यूज करना, मतलब आपकी स्किन लूज हो रही है। डे क्रीम क्या करती है, अलग से व्हाइटनिंग क्रीम अलग है, आपकी रिजुवेनेटिंग डे क्रीम अलग है, ठीक है। ड्राइनेस अगर लग गई आपको अपनी स्किन पे तो डे क्रीम स्टार्ट कर दो, वो आपकी एजिंग पे वर्क करती है। अगर आपकी स्किन डार्क है, डल है, कईयों का कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है और इनकी स्किन हमेशा डल सी लगती है, तो ब्राइटनेस अगर आपको अपनी स्किन पे चाहिए, अपने टोन को इम्प्रूव करना है, कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करना है, तो आपको फ्रेनेस क्रीम यूज करनी चाहिए, ठीक है। कईयों को बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, धूप में बैठने की आदत होती है तो उनकी पूरी स्किन टैन हो जाती है, तो उनको भी आप फ्रेनेस क्रीम दे सकते हो। फ्रेनेस क्या करती है, धीरे 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 टैनिंग को खत्म कर देती है। अब किसी की स्किन ऑयली है, उनको एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम है, उनको यस मैम अगर रिंकल्स भी हैं और पिगमेंटेशन, रिंकल और पिगमेंटेशन दोनों है, तो पहले आप अपने पिगमेंटेशन पे वर्क करोगे, देन 3 महीना आपने अपने पिगमेंटेशन पे यूज किया प्रोडक्ट, जैसे आपको लगता है आपकी पिगमेंटेशन लाइट होना स्टार्ट हो गई है, फिर आप अपनी एजिंग पे वर्क करोगे, 3 मंथ्स में चली जाएगी फिर डार्क किसी को दिन लाइट होती जाएगी आपकी, आपकी अगर डार्क पिगमेंटेशन है उसके लिए व्हाइटनिंग की देनी है। उस केस में आप क्या करोगे, दिन में आप व्हाइटनिंग क्रीम यूज करोगे, रात में आप एंटी एजिंग नाइट क्रीम यूज करोगे, ठीक है। दिन में आप अपनी ब्लेमिशेस पे वर्क करोगे, रात में आप अपने एजिंग पे वर्क करोगे, ठीक है। फिर अगर आपको जैसे ही लगता है मेरी ब्लेमिशेस कम हो गई है, लाइट हो गई है, तो दिन में आप डे क्रीम यूज करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। अगर किसी की स्किन पे एक्ने है, पिंपल है, उनको हम क्या रेकमेंड करते हैं, मॉइस्चराइजर, जो हमारे पास तो पाया विस्कस मॉइस्चराइजर है, वो रेकमेंड करते हैं विद टी ट्री ऑयल क्या करता है, टी ट्री ऑयल एक एंटीसेप्टिक ऑयल है, जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं एक्ने और पिंपल्स के, बैक्टीरिया जो फैलते हैं, स्प्रेड होते हैं, उनको किल कर देता है, तो आपके पहले तो एक्ने और पिंपल्स हैं वो फैलेंगे नहीं। दूसरा, जो आपके पिंपल्स और एक्ने में पेन है, पल्स भरा हुआ है, दर्द है, उनको हील कर देता है तुरंत। जब हमें चोट लगती है हल्दी वगैरह लगाते हैं ताकि जल्दी हीलिंग हो और हमारा जख्म जल्दी भर जाए, तो टी ट्री अगर आपकी चोट भी लग गई है या पिंपल्स एक्ने में दर्द है तो उस पर वो हीलिंग का काम करता है, ठीक है। बैक्टीरिया भी किल करता है, हीलिंग का भी काम करता है, आपके जो दाने पल्स वगैरह वो जल्दी रिकवरी होती है, जल्दी ठीक होती है, ठीक है। क्लियर है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया, एक्ने का हो गया, पिंपल का हो गया, डलनेस का हो गया, ड्राई का हो गया, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, रिंकल, सबका हो गया सॉल्यूशन, बता दिया सबका मैंने। नहीं मैम, जैसे आप हार्मोन्स की कमी से, गड़बड़ी से कह रहे हो कि पिगमेंटेशन, हार्मोनल इंबैलेंस है आपको अगर ऊपर एक्सटर्नल, तो आप यही प्रोडक्ट यूज करोगे, बाहर से लगाने से ही हो जाएगा व्हाइटनिंग, होगा वो आपके, मैंने बताया ना मेलानोसाइट पे जाके वर्क करता है, उस सेल पे जाके वर्क करता है, उसके साथ साथ आपको सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए, उसके साथ साथ आपको कुछ मेडिटेशन योगा भी करनी पड़ेगी, वो जो हेल्थ की बातें हैं जो आपको इंटरनली करनी है वो सर बताएंगे, मैं एक्सटर्नली बता रही हूँ, एक्सटर्नल अपनी स्किन को कैसे हेल्दी रख सकते हो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चेहरे पे कैड़े वाल आते हैं, चेहरे पे कैड़े वाल आते हैं, काले वाल। अच्छा, वो भी हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से कई बार आपके चेहरे पे बाल आना स्टार्ट होते हैं, उस केस में या तो आप लेजर करा लो या थ्रेड से जाके निकलवा लो। नहीं ऐसी कोई दवाई वगैरह या कोई कुछ है नहीं, वो सप्लीमेंट से आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हो, बट अगर एक बार बैलेंस हो जाएगा तो फिर बाल नहीं निकलेंगे, आप एक बार हटवा दो हार्मोनल, आपके बैलेंस हो गया हार्मोन्स, फिर आपको वो जो अनवांटेड ग्रोथ आ जाती है, अनचाही ग्रोथ पूरी है, क्योंकि हार्मोन्स बैलेंस है, जब तक इम्बैलेंस है तब तक वो आएगी और फिर आप उसको ठीक है। और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ब्लैक हेड्स, वो मेरा अभी एक, ये मैं डेली केस की बात कर रही हूँ,
एक मेरा वीकली केयर की बात करूंगी, उसमें मैं बताऊंगी ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के कैसे रिमूव करते हैं। अभी डेली केयर में किसी को कोई प्रॉब्लम है? सपोज किसी को अंडर आई सर्कल की प्रॉब्लम है, रात में आपने जो प्रोसीजर दिन में किया है क्लेंजिंग टोनिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, रात में भी आपको वही करना है, बट रात में आपका जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है। रात में आपको डे क्रीम, व्हाइटनिंग क्रीम इन सब की जरूरत नहीं है। रात में आपने क्लेंजिंग टोनिंग किया, अगर आपको डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है, रिंग फिंगर पे एक एक वो लिया, आई ड्रॉप मतलब जो आई क्रीम का वो है उसका एक एक ड्रॉप लिया, अपने आंखों के पास अच्छे से मसाज करते हुए रिंग फिंगर से छोड़ दिया, उसके ऊपर आपको नाइट क्रीम लगाना है। 18 साल के बाद कोई भी एंटी एजिंग नाइट क्रीम यूज कर सकते हैं। नाइट क्रीम का काम है आपके जो सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, उनको रिपेयर करता है, ड्राइनेस को कम करता है, ठीक है, एजिंग पे वर्क करता है, क्लियर है। रात में आपको नाइट क्रीम और अंडर आई क्रीम यूज करना है क्लेंजिंग टोनिंग के साथ। मॉर्निंग में आपको अपनी क्लेंजिंग टोनिंग या फेस वॉश टोनिंग जो कर रहे हो उसके बाद जो आपकी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है वो प्रोडक्ट यूज करना, व्हाइटनिंग, फेयरनेस, डे क्रीम, वो सब, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा लास्ट प्रोटेक्शन, ठीक है। जो क्रीम आप लोग लगाओगे उसके साथ साथ ट्रीटमेंट के साथ साथ वो आपके स्किन को मॉइस्चर भी देती है, तो हमारा CPTM कंप्लीट हो गया। लास्ट में आता है हमारा प्रोटेक्शन, CPTMP। प्रोटेक्शन सबको लेना चाहिए, वेदर आप बाहर जा रहे हो या घर में हो, मैटर नहीं करता है। घर में भी आपको उतनी टैनिंग होती है जितनी आपको बाहर होती है। घर में किससे टैनिंग होती है? लाइट से होती है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेस इनमें से भी निकलती है, सबसे बड़ा जो हमारे हाथ में हर वक्त होता है इसमें से भी निकलती है रेस। किचन में हम काम करते हैं गैस पे, जो हीट होती है आग, उसमें से भी रेस निकलती है। माइक्रोवेव, फ्रिज, टीवी, एसी, इन सब में से रेस निकलती है जो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल होती है, ठीक है। जो लोग आपने देखा होगा फैक्ट्री में काम करते हैं वो, उनकी स्किन कितनी टैन हो जाती है, होती है ना, डार्क हो जाते हैं वो, क्यों? क्योंकि आग और जो भी हीट वाली चीज होगी उसमें से यूवी निकलती है, अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो आप घर में हो या बाहर हो, ये सारा प्रोसीजर करने के बाद आपको प्रोटेक्शन यूज करना चाहिए, ठीक है। अगर आप घर में हो तो आप 30 यूज करो, SPF 30। अगर आप बाहर जा रहे हो और आपकी स्किन को ऑलरेडी प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है, ब्लेमिशेस, पिगमेंटेशन, तो आपको SPF 50 यूज करना चाहिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कोई डाउट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा डेली केयर है जो दिन में दो बार करना है। उसके अलावा हमारा एक वीकली केयर होता है। वीकली केयर में हम क्या करते हैं, वंस इन अ वीक अपनी स्किन को डीप क्लीन करते हैं। कैसे? क्लेंजिंग सेफ रहेगा, फेस वॉश और क्लेंजर जो आप सबसे पहला स्टेप करते हो वो करोगे। सेकेंड, जो आप टोनर यूज करते हो टोनर की जगह आपको स्क्रब यूज करना है, ठीक है। स्क्रब क्या करता है, आपके जो ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं और जो डेड सेल्स होते हैं उनको निकालता है बाहर, ठीक है, क्लियर है। जो आप पूछ रहे थे व्हाइट हेड, ब्लैक हेड, डेड सेल्स, इनको रिमूव करता है आपका स्क्रब, ठीक है। 10 मिनट अच्छे से मसाज करना है अपनी स्किन पे, उसके बाद वॉश करके आपको पैक लगाना है। पैक कितने तरीके के हमारे पास? नीचे कौन कौन से? अगर आपको लगता है स्क्रब करने के बाद अगर आपको लगता है आपको टैनिंग बहुत हो रही है, आपकी स्किन डार्क हो गई है, धूप में डी टैन लगा लो,
अगर आपको लगता है नहीं मेरी स्किन बहुत डल है, ग्लो नहीं है, ड्राइनेस सी है, तो आप ग्लो पैक लगा लो। अगर आपको लगता है मेरी स्किन पे पिंपल्स हैं, एक्ने हैं, तो नीम एंड रोजमेरी लगा लो। ठीक है, अपने स्किन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पैक लगाना है। 15 मिनट उसको ड्राई होने देना है, उसके बाद वॉश करके जो आपका डेली प्रोसीजर है, टोनर लगाना है, अपना ट्रीटमेंट प्रोडक्ट लगाना है और SPF लगाना है। ठीक है, ये आपका हफ्ते में एक बार करना है, थोड़ा है लंबा प्रोसीजर है बट हफ्ते में एक बार ही करना है। ठीक है, उसके अलावा हमारा एक मंथली केयर होता है, महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार हमें अपनी स्किन की डीप मसाज करनी चाहिए, जिससे हमारी स्किन बूस्टअप हो, जिससे हमारी स्किन की स्किन में जो टाइटनेस है वो बनी रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, महीने में एक बार फेशियल करते हैं, करवाने जाते हैं ना पार्लर्स में। आप अगर डेली और वीकली केयर अच्छे से करते हो तो मंथली के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप हल्का सा क्रीम लेके कोई भी मसाज कर लोगे अपने स्किन पे तो आपको पार्लर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही वो सारा अपना जो बाहर जाके पैसे देके करवाते हो वो आप घर पे कर सकते हो। सेम आपको क्लेंजिंग अपनी जैसे डेली करते हो वो करना है, स्क्रब करना है। स्क्रब करने के बाद आपको मसाज क्रीम लेनी है, हमारी मसाज क्रीम है वो लेनी है, 10-15 मिनट अच्छे से मसाज करना है, सिर्फ फिंगर टिप से, पाम यूज नहीं करना है। अच्छे से मसाज किया अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे के साइड नहीं करना है, हमेशा ऊपर के साइड करना है। ठीक है, क्योंकि आप जितना नीचे करोगे स्किन लूज होती है, आपको टाइट रखना है स्किन को, हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट अच्छे से मसाज किया, जैसे ही लगता है आपको क्रीम आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो गई, अच्छे से पेनिट्रेट हो गई है, उसके ऊपर मास्क लगा लो। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आपको लगा नहीं क्रीम अभी भी मेरे चेहरे पे है, तो वेट वाइप लो, उसको पोंछ लो, या गीला टॉवल लो, उसको पोंछ के उसके ऊपर पैक लगा लो। 15 मिनट पैक लगा के रखो, वॉश करके वापस टोनर ट्रीटमेंट प्रोडक्ट SPF यूज किया। और अगर आप नाइट में कर रहे हो तो टोनर लगा के सीधे नाइट क्रीम लगा लो, SPF की जरूरत नहीं है। ड्राई वालों को धोने के लिए, ड्राई वालों की तो अपने आप ही स्किन में चली जाती है सारी क्रीम, ऑयली स्किन वालों की कई बार नहीं जाती है, पेनिट्रेट नहीं हो पाती है, तो वो पोंछ लेंगे अपनी स्किन 15 मिनट की मसाज के बाद। ठीक है, कोई आप लोगों को डाउट, कोई क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारा कंप्लीट स्किन केयर था, डेली वीकली और मंथली प्रोडक्ट भी मैंने आपको सारे बताई दिए, कौन से प्रोडक्ट किस स्किन पे यूज करने चाहिए। कोई डाउट इसके अलावा, टी3 का क्या, वो आपको ऑयली स्किन और एक्ने और पिंपल